हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी नायका से मंगवाए हुए शुगर लिपस्टिक का रिव्यू एंड स्वैशेस, जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले करी थी। एंड आज मैं इसके आपके साथ इसका रिव्यू एंड स्वैशेस शेयर करूंगी, ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि कैसी है ये लिपस्टिक, कौन सी है ये लिपस्टिक एंड इनके शेड्स क्या हैं। सो सबसे पहले बात करूँ मैं अगर उस ऑफर की, जिसके थ्रू मैंने ये लिया, वो था नायका पे कुछ सेल चल रही थी जिसकी शुगर पे कुछ ऑफर्स थे, जिसकी वजह से मुझे ये लिपस्टिक्स के साथ लाइक 999 प्लस अबव शॉपिंग करने पे आपको ये शुगर मिनी आपको फ्री मिल रही थी। शुगर मिनी किट जो है, सेट ऑफ फोर लिपस्टिक्स, ये आपको फ्री मिल रही थी। सो मैंने उस टाइम पे इसको ऑर्डर किया था, जिसकी वजह से मुझे ये भी साथ में फ्री मिला इन लिपस्टिक्स के साथ। इसका रिव्यू एंड स्वैश मैं बाद में शेयर करूंगी आपके साथ। सो पहले बात करते हैं इन लिपस्टिक्स की, जिनकी वजह से ये मुझे मिला है। सो ये जो लिपस्टिक्स हैं, ये बेसिकली इनका जो प्राइस है वो अगर मैं बात करूँ तो ये 499 ईच है। एंड दीज आर शुगर नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वियर लिपस्टिक। सो ये उसकी जो लिपस्टिक है वो है, एंड दिस इज नॉट अ लिक्विड लिपस्टिक, दिस इज अ बुलेट लिपस्टिक, जो कि क्रीमी एंड सॉफ्ट मैट है। एंड आई जस्ट लव इट्स क्वालिटी, क्वालिटी वाइज अमेजिंग है। एक थोड़ा सा जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट मैं कह सकती हूँ आई थिंक पूरी लिपस्टिक में, वो यही है कि ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। सो इट्स पार्शियल ट्रांसफर प्रूफ। सो बट जो अच्छी चीज़ वो ये है कि जब आप इस आपका जब हम लिप्स पे लगाते हैं, हम इसको इस तरह से करके देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो लिपस्टिक है वो आपके लिप्स पे ही रहता है। हल्का फुल्का जो शेड है वो आपके हैंड्स पे या कहीं पे भी आपके आता है। सो इट्स वेरी नाइस। एंड जो अगर मैं बात करूँ इसकी शेल्फ लाइफ की, तो इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है। एंड ये आपको विद इन लाइक आपकी जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स है। सो आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी क्वांटिटी की, कि कितनी क्वांटिटी की है, सो इट्स फॉर 3.5 ग्राम्स ईच। एंड अब मैं इसको करती हूँ ओपन। मैंने 3 शेड्स मंगवाए हैं, वो तीनों ही मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शेड्स हैं। वन इज कोरल डेलिमा, दैट्स शेड नंबर 05। देन इट्स पिंक लाउड, शेड नंबर 06। एंड देन इट्स रेड रश, शेड नंबर 02। सो ये 3 शेड्स मैंने मंगवाए हैं। एंड मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये अंदर से ऐसी है। सो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, जो कि सॉफ्ट मैट है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये। सो इट्स वेरी अट्रैक्टिव एंड जेट ब्लैक कलर दिया गया है। नीचे इसका शेड नंबर लिखा हुआ है एंड कलर लिखा हुआ है, एंड ये भी लिखा हुआ है कि कितने ग्राम्स की है। एंड यहाँ पे शुगर ब्रांड का अपना लोगो है उनका। एंड देन यहाँ पे मेंशन है कि नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक है, एंड शेड नंबर लिखा हुआ है 02, रेड रश, कोरल डेलिमा, पिंक अलाउड। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। द रेड रश की अगर मैं बात करूँ, सो रेड रश जो कलर है वो रेड सिर्फ नाम से है, एक्चुअल में ये न्यूड पिंक टाइप है, न्यूड पिंक प्लस। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको ब्राउन कलर के लिपस्टिक्स वगैरह का शौक है, आई थिंक उनके लिए ये शेड बेस्ट है। स्पेशली उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिनको न्यूड कलर्स पसंद है। सो न्यूड कलर लिपस्टिक जो कि डेली पर्पज से बहुत अच्छी लगती है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर मैं शेप की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसका जो बॉटल है जिसके अंदर ये कंटेन है वो बहुत अच्छा है, एंड काफ़ी स्मूथ है इसको रोटेट करना। एंड जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि नॉर्मल लिपस्टिक्स की तरह नहीं है, ये थोड़ी सी एंगुलर दे रखा है इसका ये जो पोर्शन है, जिसकी वजह से इसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। सो इस पोर्शन से, जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन से आप आउटलाइन बना सकते हैं अपने लिप्स की, एंड देन आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। सो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लिप लाइनर्स अवॉइड करते हैं, जिनको लिप लाइनर्स पसंद नहीं है, उनके लिए तो ये परफेक्ट है। इससे आप अपना आराम से आउटलाइन कर सकते हैं एंड देन उसके अंदर इस लिपस्टिक को फिल कर सकते हैं। काफ़ी हैंडी है ये, एंड स्टोरेज के पर्पज से भी अच्छी है, छोटी सी साइज है तो आप इसको ट्रैवलिंग के पर्पज से बहुत अच्छी हैंडी है, काफ़ी आप इस तरह से पकड़ के अपना लिपस्टिक लगा सकते हैं। सो काफ़ी हैंडी एंड ईजी हो जाता है इसको हैंडल करना, सो इस पर्पज से बहुत अच्छी है। रेड रश अगर कलर बात करूँ तो ऑब्वियसली ये न्यूड पिंकिश काइंड ऑफ कलर है। देन अगर मैं बात करूँ कोरल डेलिमा की, तो कोरल डेलिमा जो है वो रेड ऑरेंज एंड लिटिल बिट ऑफ पिंकिश का मिक्सचर है, स्पेशली रेड एंड ऑरेंज।
ये उसका कॉम्बिनेशन है जो कि दोनों ही बहुत ज्यादा ऐसा ओवर पावर नहीं करते एक दूसरे को। इसमें आपको रेड के साथ साथ हल्का सा एक शेड मिलेगा ऑरेंज का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड वरना मोस्टली क्या होता है कि ऑरेंज लिपस्टिक थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, या रेड, बहुत ज्यादा रेड मुझे पसंद नहीं है अपने लिप्स पे, बिल्कुल ब्लड रेड। सो जिन लोगों को ब्लड रेड नहीं पसंद एंड जिन लोगों को ऑरेंज कलर नहीं पसंद, बट उसका एक टेक्सचर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, तो ये वो लिपस्टिक है। तो इसमें काफ़ी अच्छा है ये, एंड ये हर कॉम्प्लेक्शन को सूट करेगा, स्पेशली जिन लोगों का फेयर कॉम्प्लेक्शन है, या फिर जो लाइक मेरे जैसा कलर कह सकते हैं, मेरे से अबव है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। बाकी अपनी अपनी पसंद होती है। देन अगर मैं बात करूँ पिंक अलाउड की, सो दिस इज़ वेरी नाइस पिंक, एंड इट्स नॉट वेरी डार्क पिंक और वेरी लाइट पिंक, दिस इज परफेक्ट पिंक। एंड ये काफ़ी अच्छा है, लिप्स के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, एंड बिल्कुल जो चटक वाला पिंक होता है वैसा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। सो इसका स्वैश मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तब आपको पता चलेगा कैसा वाला पिंक है, बिकॉज लाइट में कई बार ऐसा होता है कि वो कलर कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। सो स्वैशेस के दौरान मैं आपको जरूर शेयर करके दिखाऊंगी कि ये कैसे कलर्स हैं एक्चुअल में। सो इट्स वेरी नाइस, एंड जब इसको जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी है, जब हम इसको लिप्स पे लगाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया है अपने लिप्स पे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड लेस वेट है इसका, हैवी वेटेड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको पूरा दिन स्टे भी करती है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे अभी लगाई है एंड 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो रिमूव हो जाएगी, नहीं, बहुत अच्छा स्टे है इसका, सुबह लगाओ रात तक ऐसे स्टे रहती है। बस हाँ ये है कि थोड़ा इसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, बिकॉज ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, एंड अदरवाइज इसमें कोई भी कमी नहीं है, दिस इज टोटली वर्थ इट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अब आपके साथ इनके स्वैशेस के साथ।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो एंड ये शेड्स पसंद आया. पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करेगा. वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग.